Welcome to my channel Ambition Sa. आज हम पढ़ेंगे टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 मेडिवल इंडिया द दिल्ली सल्तनत. इसका हम बी पार्ट पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया का, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी करवाया गया है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का. बाय द 10th एंड 11th सेंचुरी न्यूमरियस स्मॉल किंगडम हैज इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो गई थी नॉर्थ इंडिया के बीच में, नॉर्थ इंडिया में 10th और 11th सेंचुरी के बीच में. इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हो गए थे. लोगों में बहुत ईगो आ गया था कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, इसलिए सब अपना ही राज्य बना के खुद जी रहे थे. दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक विक्ट्रीज ऑफ टर्क. टर्क जो टर्कीज थे, ये पॉलिटिकल यूनिटी के लैक के कारण, ये जो पॉलिटिकल यूनिटी थी, सारे गवर्नमेंट एक नहीं था, सब लोग अपना अपना अलग अलग थे, इंडिया यूनाइटेड नहीं था, इसके कारण जो टर्कीज थे वो अपने इंडिया पे काबू कर लिए थे. हु बिगिन द कॉन्क्वेस्ट बाय 11th एंड 12th सेंचुरी. वो इंडिया पे काबू करना शुरू कर दिए 11th और 12th सेंचुरी के बीच में. 10th और 11th सेंचुरी में पॉलिटिकल यूनिटी की लैक हुई और 11th 12th सेंचुरी में तुरंत टर्क्स आ गए. हाउएवर द एम्पायर वो एस्टैब्लिश्ड इन 13th सेंचुरी. तो 11th से 12th सेंचुरी उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया और 13th सेंचुरी में टर्क्स ने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया. द पीरियड बिटवीन द 1206 टू 1526 व्हेन 5 डायनेस्टी सक्सेसफुली रूल्ड फ्रॉम दिल्ली इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. जब टर्क आए थे तब दिल्ली सल्तनत को राइज मिल गया था. 1206 से 1526 तक 5 डायनेस्टी आराम से दिल्ली में रूल करके गई थी, इसलिए उस पीरियड को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत. इट वॉज सो कॉल्ड बिकॉज द रूलर ऑफ वेरियस डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट दिल्ली. सारे रूलर्स अलग अलग डायनेस्टी से आके दिल्ली में रूल करते थे और दिल्ली में उनको आके सुल्तान कहा जाता था. अब हमें पता कैसे दिल्ली सल्तनत एग्जिस्ट करती थी, उसे कुछ सोर्सेज होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज कोर्ट हिस्ट्रीज क्रॉनिकल्स फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट ऑन प्राइवेट करेस्पॉन्ड विच प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत. सोर्सेज में हमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स मिलते हैं. पहले के जमाने में हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती थी जो खुद से लिखी जाती थी. ये सब कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है पता करने के लिए कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती थी पुराने जमाने में. द हिस्ट्रीज रिटन इन पर्शियन कॉन्स्टिट्यूट अ इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द सोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. हिस्ट्री इसको हम तवारीख कहते थे पर्शियन लैंग्वेज में, वो पर्शियन कॉन्स्टिट्यूट करता था एक बहुत अच्छी सोर्स दिल्ली सल्तनत में. These histories were written by and learned by men like secretaries, administrators, poets and courtiers who both recollected event and advised the rulers. ये पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो भी लर्न मैन थे, जो भी नॉलेज था मैन में, वो ये सब काम करते थे, सोर्सेज बनाने का काम करते थे. जो सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोएट, कोर्टियर, हु रोट बोथ रिकलेक्टेड इवेंट, जो सारे काम कर दिए हैं. सोर्सेज क्या होते हैं, अपनी पहचान छोड़ जाना. अभी दिल्ली सल्तनत एग्जिस्ट करता था उसका हमारे पास क्या सोर्स है, क्या सबूत है. कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कुछ इंस्क्रिप्शन है, मॉन्यूमेंट्स है, इससे सबूत मिलता है कि हाँ ये डायनेस्टी, ये सल्तनत एग्जिस्ट करती थी पुराने जमाने में. हाउएवर दीज ऑदर ओफन रोट फॉर द सुल्तान इन होप ऑफ गेटिंग रिच अवार्ड. सब लालची होते हैं, इसलिए बहुत लोग ऑथर्स जो थे सुल्तान के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखते थे ताकि सुल्तान खुश हो गए, उनका किंग खुश हो गया, उनको अवार्ड दे दे. दीज हैंड रिटन वर्ड्स वर डेकोरेटेड विद गोल्ड और सिल्वर. पहले लाल पैसा लेने के लिए सुल्तान से उनको अपना पैसा खर्चा करना पड़ता था, इसलिए वो एक हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे जिसको हम इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. उस मैन्यूस्क्रिप्ट में पेजेस पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे या जो वर्ड्स हाईलाइट करने रहते हैं उसको गोल्ड या सिल्वर से हाईलाइट करना रहता था, और बाकी सारी चीजें कुछ नॉन मेटल या मेटल से लिख दी जाती थी, उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट. और ये सारा वर्क प्रोसेस हैंड से होता था. द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और दिल्ली सल्तनत आर. कुछ सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए, वो है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन आर वैल्यूएबल सप्लीमेंट एंड नॉट द सोल ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द दिल्ली सल्तनत. इंस्क्रिप्शन बहुत ही वैल्यूएबल सप्लीमेंट है, मतलब एक जरिया है, पूरा सोर्स नहीं है दिल्ली सल्तनत को बाहर निकालने का. इंस्क्रिप्शन हमें क्वाइन, मॉन्यूमेंट, माइलस्टोन, टॉम्बस्टोन ऐसी चीजों में पाया जाता है. इंस्क्रिप्शन ही पर्शियन में, संस्कृत में,
वो अलग अलग जो रूलर चीफ्स होते हैं अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि इंस्क्रिप्शन कौन सा लैंग्वेज में होती है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन एक कॉइन के ऊपर अरेबिक और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में करवाया था। मॉन्यूमेंट, द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिल्ड मेनी मॉन्यूमेंट विच रिवील नॉट ओनली द कल्चरल ट्रेंड ऑफ द पीरियड बट ऑल्सो द लिविंग कंडीशन, फेथ, बिलीव एंड सोशियो कल्चरल आउटलुक ऑफ द रूलर्स। मॉन्यूमेंट्स देख के हमें पता चल जाता है कि जो वहाँ की आबादी थी, वहाँ पे जो लोग थे वो रहते कैसे थे। जैसे हम चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रायंगल शेप के घर मिलेंगे, तो वो हमारा वहाँ पे देख के पता चल जाता है कि वो लोग बहुत फेथ और रिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका जो भगवान है, उनके जो रिचुअलिज्म है, उनमें एक कैप पहना जाता है जो ट्रायंगल शेप की होती है, तो वो अपना घर भी वैसा बनवाते हैं ताकि उनको लगे एक फेथ है उनको कि भगवान की छाया हमारे ऊपर है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द मॉन्यूमेंट इज कुतुब मीनार, उसमें से एक जो बहुत सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट है वह कुतुब मीनार। अब हम कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्लान था कि हम कुतुब मीनार को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? वो एक सूफी सेंट, सूफी क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है, एक जरिया होता है, म्यूजिक होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सूफी सेंट क्या हो गए, कोई लोग हो गए जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसको डेडिकेट करता है कुतुब मीनार। किसने डेडिकेट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डेडिकेट किया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुब मीनार। हु वॉज ग्रेटली वेनरेटेड बाय पीपल ऑफ दिल्ली, जो पीपल थे दिल्ली के वो भी उनको बहुत प्रेस कर रहे थे इस काम के लिए। द स्ट्रक्चर वॉज कम्प्लीटेड बाय इतुमुतिश। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद तो बनाएगा नहीं, उन्होंने किसी को दे दिया, इतुमुतिश उसका नाम था। स्पेशल फीचर्स आर, कुतुब मीनार का जो स्पेशल फीचर्स है वो है, वो 71.4 मीटर्स लंबा था। 71.4 मीटर्स की उसकी हाइट थी, जो फोर स्टोरीज में डिवाइडेड था। लेकिन ये फोर स्टोरीज में डिवाइडेड बिल्डिंग जो 71.4 मीटर्स लॉन्ग थी, एक लाइटनिंग हुई उसके कारण डैमेज हो गई, पूरी बिल्डिंग वापस नीचे गिर गई। 1369 में काम हुआ था उसका, वापस रिपेयर हुआ, रेनोवेशन हुआ, वो किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। तब तक कुतुबुद्दीन मर गया था। वो उसने क्या किया, उसको याद नहीं आ रहा होगा कि फोर स्टोरीज थी बिल्डिंग की, इसलिए रेनोवेशन के टाइम में उसने एक स्टोरी बढ़ा के फाइव स्टोरी करवा दिया। ईच स्टोरी एक दूसरे से सेपरेट कर दिया एक बालकनी से, और बालकनी ऐसे कंस्ट्रक्ट की गई कि हर एक बालकनी नीचे का भार अपने ऊपर ले लेती है। जैसे ये रहे एक बालकनी, ये बालकनी पूरा नीचे का भार अपने ऊपर ले रही है, ये बालकनी नीचे का भार अपने ऊपर ले रही है। अक्सर बालकनी ऊपर का भार लेती है, लेकिन ये सब बालकनी नीचे का भार अपने ऊपर लेते जा रही है। इसके कारण ये कुतुब मीनार और भी मजबूत होते गया। फाइव स्टोरीज के कारण हर एक भार एक एक के ऊपर आते गया, और सबसे ऊपर वाला जो बालकनी है वो पूरा कुतुब मीनार को हैंडल कर रहा है। अगर वो गिर गया तो ये कुछ नहीं बचेगा। द मीनार इज सर्कुलर टावर अबाउट 13.8 मीटर्स इन डायमीटर। मीनार का जो सर्कुलर टावर का डायमीटर है वो है 13.8 मीटर, उसके बेस से काउंट करने पे विथ 3 मीटर की है, और उसमें जो स्टेयरकेसेस है मीनार के ऊपर जाने के लिए 379 स्टेप्स लीड करते हैं। कुतुब मीनार रेड सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रे क्वार्ट्ज यूज करके बनाया गया है। ईच टावर हैज अ प्रोजेक्टिंग बालकनी, दीज बालकनी आर सपोर्टेड इन सच अ वे दैट होल स्ट्रक्चर टेक्स द लोड। द स्लेव डायनेस्टी, अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आए थे और सक्सेसफुली रूल करके चले गए थे। उसमें से फर्स्ट डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव नाम से उनके हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई नौकर। तो इस डायनेस्टी में भी ऐसा ही था, जो भी आ रहे थे किंग्स आ रहे थे, इसमें जो आ रहे जो भी पीपल थे वो सब किसी ना किसी के अंडर में दबे हुए थे। टर्क्स आए थे, अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के साथ टर्कीज भी आ गए थे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में स्लेव डायनेस्टी नाम दिया गया इस डायनेस्टी को, क्योंकि वो टर्क्स के अंडर में आ रही थी। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में, जो 1192 में हैंड ओवर किया गया था। दिल्ली में जो 5 सक्सेसिव डायनेस्टी आके गई थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोगी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी दिल्ली में आए थे, सक्सेस होकर रूल किए थे और फिर सक्सेस होकर चले गए थे। दिल्ली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ दीज रूलर लेटर। मोहम्मद गोरी
डिफीट किए थे पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल में, उसके बाद स्ली डायनेस्टी का निर्माण हुआ था, उसके बाद दिल्ली मोहम्मद गोरी के हाथ में आई थी। फ्रॉम दिल्ली टू टर्किश रूल वॉज एक्सटेंडेड टू जायंजेटिक प्लेन्स एंड इन टू बिहार एंड बंगाल। जायंजेटिक प्लेन्स के पास, टाइम जोन्स के पास, बिहार, बंगाल, इन सब के पास भी टर्किश रूल फैल चुका था। द विक्टोरियस टर्क्स बिफोर लीविंग द अफगानिस्तान लेफ्ट बिहाइंड द स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनाया था, इंडिया छोड़ने से, अफगानिस्तान छोड़ने से पहले टर्क कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए थे। उसको स्लेव कहा जाता है, क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक को टर्क्स ने गिरफ्तार कर लिया था, उसको नौकर की तरह रखे थे किंग को, जब वो छूटा तब उसे स्लेव कहा गया। देयर इज द विसरॉय ऑफ द कॉन्कॉर्ड लैंड, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास बहुत सारा लैंड था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को टर्क छोड़ देते हैं तो ये सारा लैंड टर्क के पास आ जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को फोर्सफुली साइन करना पड़ेगा पेपर पे। अब हम बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ही वॉज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को किसने ढूंढा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ढूंढा था। कैसे ढूंढा था? टर्क जब कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिए थे खुला, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक मिल गया था स्लेव डायनेस्टी को। द अर्ली रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वो कॉल्ड एज मामलुक सुल्तान्स। मामलुक मतलब क्या होता है? अरबिक वर्ड ओन्ड बोलते हैं इसको। मामलुक एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है ओन्ड। सिंस दीज सुल्तान वर अर्लियर ईदर द स्लेव ऑफ टर्क और वर द सन ऑफ स्लेव, दे वर कॉल्ड मामलुक सुल्तान। टू कंपेयर द मास्टर वर्क ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एम्बार्क ऑन द सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड द कैप्चर द फोर्क ऑफ कालिंजार इन बुलखंड एंड अनिवाला द कैपिटल ऑफ सोलंकीज इन गुजरात। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इमर्ज हुए थे, जब वो आए थे इस सर्क से पास से छूट के, तब वो बहुत कॉन्क्वेस्टिंग चालू कर दिए थे, आते के साथ मारा बीटी राज्य को कब्जे में करना चालू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने कालिंजार एंड बुलखंड और अनिलवारा कैपिटल ऑफ सोलंकीज, ये सब चीजें कहाँ हैं? गुजरात में है, उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। बिसाइड बीइंग ब्रेव एंड कैपेबल मिलिट्री जनरल, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मतलब अपनी बात के बहुत पक्के थे, अगर उन्होंने बोल दिया ये काम करना है तो वो काम करके देंगे। स्कॉलर्स लाइक हजान निजामी, फकरे मुदीर, अदॉन हिज कोर्ट, क्यों उनके कोर्ट में बहुत ही लर्न मैन रहते थे, क्योंकि वो भी बहुत कैपेबल मिलिट्री जनरल थे। बिकॉज ऑफ लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ही अर्न द टाइटल लाख बख्श। वो बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं करते थे, इसलिए उनको लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड अ फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, जिसे हमने अभी पढ़ा था, आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हु वॉज कम्प्लीटेड बाय इत्तमुतिश इन 1210। ऐबक डाइड सडन फॉल फ्रॉम द हॉर्स एट लाहौर एट प्लेइंग चौगन और पोलो। पोलो खेलते समय घोड़ा बहुत तेज दौड़ता रहता है, उस समय पैर स्लिप हुआ होगा और ऐबक गिर गया होगा, इसलिए लाहौर में उसकी डेथ हो गई थी खेलते खेलते। इसलिए हमारी मम्मी बोलती है ध्यान से खेला करो। कुतुबुद्दीन ऐबक सन आराम शाह हैज सक्सीड हिम इन 1211। सिंस आराम शाह वॉज एन इनकैपेबल रूलर, ही वॉज ओवर थ्रोन बाय इत्तमुतिश। इनकैपेबल रूलर था आराम शाह, लेकिन इत्तमुतिश ने बोला था कि तू भी तुम रूल करो। द स्लेव ऑफ सन इन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए आराम शाह स्लेव का ही सन चाहिए। आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सन था। इत्तमुतिश ने इसलिए बोला था क्योंकि स्लेव डायनेस्टी आगे बढ़नी चाहिए किसी न किसी के जरिए से। इत्तमुतिश फिलहाल स्लेव डायनेस्टी को बचाने के लिए उसके ऐबक के बेटे आराम शाह को गद्दी पे बैठा देता है, लेकिन जब वो दिल्ली को अच्छे से नहीं रूल कर पाता है, तब इत्तमुतिश को लगता है कि उसके जो भी सन थे वो कैपेबल नहीं थे। वो फिर उसके बेटी जो थी, उसका नाम था रजिया, उसको सक्सेसर बना देता है स्लेव डायनेस्टी को रूल करने के लिए। लेकिन टर्किश इस पे नोबल नहीं हो पाए, उनको एक उनके ट्रेडिशन में एक वुमेन रूल नहीं करनी चाहिए थी। सो वो इत्तमुतिश के सन को रुकनुद्दीन को नया सुल्तान बना देते हैं, तो ऐबक की डायनेस्टी वहीं पर खत्म हो जाती है। इत्तमुतिश का सन आ जाता है रुकनुद्दीन नया रूलर बन के, और रुकनुद्दीन आगे थ्रोन कर देता है रजिया को और दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने लगता है 1236 से। जब आता है वो, तब से खिलजी डायनेस्टी का फॉलोअर स्टार्ट हो जाता है। द लास्ट एंड द स्लेव डायनेस्टी वॉज मर्डर्ड बाय 1290 एंड देयर वॉज अरोज ऑफ न्यू लाइन ऑफ रूलर्स कॉल्ड खिलजीज। 1290 में जो लास्ट थे रूलर स्लेव डायनेस्टी का, वो मर जाता है और खिलजी स्टार्ट हो जाते हैं। पहला खिलजी था जलालुद्दीन खिलजी, जो फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। वो किलिंग काकुई बाद किल करके आया था खिलजी डायनेस्टी का निर्माण करने।
द लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी था काकुईबाद. ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलालुद्दीन खिलजी. अलालुद्दीन खिलजी से काकुईबाद मर्डर हो गया था. हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान. खिलजी डायनेस्टी के होने के बाद काकुईबाद अपने आप को सुल्तान कंसिडर कर रहा था, इसलिए उसको मार दिया गया. अलालुद्दीन खिलजी ऑन असेंडिंग द थ्रोन अलालुद्दीन हैज द फेस ऑफ रिबेलियन मंगोल्स हु वर अर्लियर सेटल्ड नियर दिल्ली. अलालुद्दीन खिलजी को वाइस डोंकी भी कहा जाता है और उसका एक और नाम है, फिलहाल उसको वाइस डोंकी कहा जाता है क्योंकि अलालुद्दीन खिलजी बहुत अच्छा रूलर था, लेकिन ऐसे कुछ मिस्टेक के कारण वो मारा गया. अलालुद्दीन हर्ड अ रिबेलियन, ही गॉट मेनी मंगोल्स मिसकार्ड. After that, Alaluddin conquered all the territories of Malwa, including Ujjain, Dhar, Chandreli, Mandu. ये सबसे पता चलता है कि Alaluddin conquer करने में बहुत तेज था. 1305, Alaluddin conquered most of the northern India. He has strong army and started paying soldiers in cash. वो सोल्जर को कैश में पे करने लगा क्योंकि उनके पास बहुत पैसा आ गया. इतने सारे कंट्रीज conquer करने के बाद तो पैसा आएगा ही. मार्केट रेगुलेशंस. अलाउद्दीन ने मार्केट के लिए बहुत अच्छा हिस्ट्री खड़ा कर दिया. उन्होंने एक फिक्स्ड कमोडिटीज पे फूड ग्रेन, शुगर और कुकिंग ऑयल बेचने लगे. ये कुछ कॉमन फूड मटेरियल्स है जो हर एक आदमी खरीदता है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, गरीब फैमिली के लिए भी उतना ही रेट रखते थे जितना अमीर के लिए था. तो रेट में चेंजेस नहीं होती थी खाने के मामले में. फॉर दिस पर ही सेट अप द 3 मार्केट इन दिल्ली. ये काम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मार्केट दिल्ली में सेट कर दिए थे. एक मार्केट क्लोथ्स के लिए था, दूसरा मार्केट फूड ग्रेन्स के लिए था, सेकंड मार्केट में था कॉस्टली क्लोथ बिकते थे. पहले में फूड ग्रेन बिकता था जिसमें कॉमन पीपल भी खरीद सकते हैं, नेक्स्ट में कॉस्टली क्लोथ बिकते थे और थर्ड में स्लेव्स, हॉर्स और कैटल्स बिकते थे. ईच मार्केट वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ कंट्रोलर ऑफ मार्केट शहना. ये मार्केट का नाम था पर्शियन नेम शहना. वो एक कंट्रोलर मार्केट था जो हर एक के अंदर चार्ज पुट करता था, मतलब पैसे देने पड़ते थे. बार्टर सिस्टम उस समय नहीं था. बैरिस्ट्रिक्स पनिशमेंट वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर चीटिंग एंड ओवर वेटिंग द गुड. अगर कोई भी चीटिंग होती है तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी. डेक्कन एक्सपेडिशन. अलालुद्दीन खिलजी वॉज फर्स्ट सुल्तान हु कॉन्कर्ड द बल्क ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर करने वाला अलालुद्दीन फर्स्ट पहला सुल्तान था. डेक्कन एक्सपेडिशन मतलब डेक्कन साइड में भी उन्होंने बहुत सारा एरिया कॉन्कर कर लिया. देवगिरी, वारंगल, द्वारा समुद्र, मधुरई, ये सब कॉन्कर नहीं हो पाया था एनेक्स के कारण, मतलब उसमें टर्क का बहुत ज्यादा रूल था. अलालुद्दीन डिड नॉट एनेक्स दीज किंगडम फॉर टू रीजन. फर्स्ट ही रियलाइज दैट इट वॉज पार्शियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस डिस्टेंट लैंड फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ये सब लैंड बहुत दूर था तो ये सबको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सेकेंड, उसमें जो वेल्थ था, जो पैसे थे उसमें ज़्यादा नहीं थे, इसलिए वो इस पर हाथ नहीं लगा. डेक्कन किंगडम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिज ह्यूज आर्मी. द रूलर ऑफ डेक्कन वर फोर्स टू एक्सेप्ट द ओवर लॉर्डशिप ऑफ अलालुद्दीन खिलजी एंड पे द एनुअल ट्रिब्यूट. जबकि डेक्कन एक्सपेडिशन को ये बात मंजूर नहीं थी कि वो दिल्ली के अंडर में है, लेकिन तो भी टर्क और अलालुद्दीन खिलजी के कारण, फोर्स के कारण उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था एनुअल ट्रिब्यूट के नाम पे. मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी. When Alauddin Khilji mains came a throne, he has to face a series of rebellion doom from the nobles. So he took a number of measures to crush their power. उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जब थ्रोन पे आया था, जब लड़ने आया था, तब नोबल्स ने बहुत सारे तरीके आजमाए थे उनको गिराने के, लेकिन उस पर उन्होंने बहुत सारे तरीके आजमाए थे उनको गिराने के. वो क्या तरीके थे? नोबल्स वर नॉट अलाउड टू होल्ड पार्टीज और फेस्टिवल्स टू फॉर्म अरेंज मैरिज अलायंस. जो बाहर के लोग आते हैं दिल्ली में, उनके एरिया में, वो पार्टीज, मैरिज, अलायंस, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते बिना सुल्तान के परमिशन के. Use of wine and intoxicant were banned. ये सब चीज़ों का यूज़ करना बैन कर दिया गया था. Gamblers और gambling करना forbidden था, मतलब crime था. He stopped playing soldiers in land and introduced cash salaries. मतलब soldiers in land, मतलब उनको खाने पीने नहीं देना है, soldiers को पैसे दे देने हैं. पैसे कैसे use करेंगे soldiers, वो soldiers के ऊपर dependent है. He established efficient spy system. स्पाई सिस्टम मतलब जासूस को एक्टिव कर दिया था जो एक के ऊपर एक चेक करते जाते थे कि वो क्या रहा है दिल्ली में. फिर उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स बहुत अच्छा किया था. अलालुद्दीन खिलजी वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु लेड फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी. स्टैंडिंग आर्मी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. ही इम्पोर्टेड अ क्वालिटी हॉर्सेस.
क्वालिटी हॉर्सेस लाई थी और अच्छी अच्छी ब्रांडिंग हॉर्सेस लाई थी और सारे हॉर्सेस सोल्जर्स को दे दी गई थी। इसको दख बोलते हैं। यू बोला गया था इन्फीरियर हॉर्सेस से, जो कम क्वालिटी हॉर्सेस है उनसे रिप्लेस कर दिया गया था ताकि सोल्जर्स कोई भी बहाना ना बना पाए कि हॉर्स के कारण हम हार गए युद्ध में। यू विल गिविंग अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एवरी सोल्जर्स, उस सिस्टम को बोला गया था छेरा। ये सिस्टम में हर एक सोल्जर को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था, उसी हिसाब से उनको कैश में सैलरी पे की जाती थी रॉयल ट्रेजरी से। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में अलाउद्दीन खिलजी लैंड के ऊपर अलग अलग फॉर्म्स में टैक्स लेना शुरू कर दिए थे। ही इंट्रोड्यूस अ प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग एंड लैंड फिक्सिंग द स्टेट अकॉर्डिंगली। उन्होंने लैंड फिक्सिंग के टैक्स लेना और स्टेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स है, जितने स्टेट में वेल्थ है उस हिसाब से एक आदमी को टैक्स पे करना है। ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 1/3 to 1/2 एंड डिमांडेड टू बी पेड इन कैश। उन्होंने लैंड रेवेन्यू को 1/3 से 1/2 में बढ़ा दिया और ये चीज़ें कैश में करनी भी रहती है। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने अलग से ऑफिसर्स बना लिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ वो मलिक काफूर को डिनोट कर दिए। ही कमिस की कमांडर, मतलब इसके आगे के वो लोग संभालेंगे। आफ्टर मेनी इंट्रिगिटीज द खिलजी डायनेस्टी फाइनली केम टू एन एंड व्हेन गजी मलिक द गवर्नर ऑफ दीपालपुर असेंडेड द थ्रोन। गजी मलिक जो दीपालपुर के थे उन्होंने अपना थ्रोन असेंड किया और खिलजी डायनेस्टी एंड पे आ गई। उस समय न्यू डायनेस्टी का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। असेसिंग द थ्रोन ऑफ गजी मलिक, गाजी मलिक के ऊपर थ्रोन असेंड करते हुए बहुत सारे अप्स एंड डाउन, मतलब बहुत सारे युद्ध में हुआ था कि अब ये मरेगा अब ये मरेगा, लेकिन ये जिंदा बच गया। इन 1320 ही टुक द टाइटल ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक शाह एंड बिकेम द तुगलक डायनेस्टी। ही डाइड ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ पेवेलियन बेल्ट एंड इज ऑनर ऑफ 1325। मोहम्मद बिन तुगलक गियाजुद्दीन सन जोना खान असेंडेड द थ्रोन एंड टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रूलर ऑफ हिज एज। ही वॉज द ग्रेट स्कॉलर, ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन रिलीजन एंड फिलोसफी। ही हैड ऑल्सो मास्टर्ड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड फिजिकल साइंस। ही वॉज लवर ऑफ पर्शियन लिटरेचर्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। इससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, मोहम्मद बिन तुगलक रीजन द एम्पायर हैज स्प्रेड टू द साउथ। He shifted his capital to Devgiri near the modern Aurangabad and renamed as Daulatabad. He did for the following reasons. Mohammad bin Tughlaq ne apna capital shift kar diya Devgiri se Daulatabad, jo Aurangabad ke paas hai. Daulatabad was centrally located from where he controlled the Delhi territories. Alauddin Khilji ne jis karan se Delhi ko Deccan expedition ko chhod diya tha, Mohammad bin Tughlaq ne wahi kaam करके मखना एक्सपीडिशंस को अपने पास कर लिया। उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया और डेक्कन एक्सपीडिशंस को भी हैंडल कर सकते थे। फिर वो दिल्ली वाज अ ग्रिप ऑफ सिल्वर फाइन एंड दिल्ली वाज कॉन्स्टेंटली थ्रेटेंड बाय मंगोल इन्वेशंस। मंगोल इन्वेशन के कारण दिल्ली बहुत बार थ्रेटेंड हो डराया जाता था, इसलिए दिल्ली का कैपिटल शिफ्ट कर लेना एक बहुत बड़ा समझदारी का काम था। ही ऑर्डर्ड द पीपल ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग रिलीजियस हेड टू शिफ्ट टू दौलताबाद। उन्होंने क्या किया, सारे जो पीपल थे उनको लेके दौलताबाद शिफ्ट हो गए। ऑन रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ही डिसाइडेड शिफ्ट टू कैपिटल बैक टू दिल्ली। जब उनको पता चला कि यहाँ से वहाँ जाने में ही बहुत तकलीफें होंगी, वहाँ जाके रहने में उतना कुछ फायदा नहीं है, तो वो फिर से आ गए अपने ओरिजिनल किंगडम में। ये कारण बहुत सारे उनकी जो जनता थी वो रास्ते में ही मर गई। इसी कारण उनके जो उनकी डायनेस्टी में जो लोग थे बहुत कम थे। टोकन करेंसी, दूसरा उन्होंने क्या काम किया, टोकन करेंसी को फॉलो कर दिया। टोकन करेंसी में जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स ना होके लोकल मेटल्स या कॉपर के कॉइन्स बनना शुरू हो गए। ब्रोंज टंका इन प्लेस ऑफ सिल्वर, ब्रोंज टंका एक मेटल है, इसके कॉइन्स बनने शुरू हो गए सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स के अलावा। सिल्वर के शॉर्टेज के कारण ये काम किया गया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो अच्छे के लिए किया गया था वो फेल्ड हो गया, क्योंकि इसके कारण फेक कॉइन्स जनरेट हो गई। लोग अपने घर में ही बैठे बैठे कॉपर लाते थे, पिघलाते थे और कॉइन बना के यूज करने लगते थे। किसी को ये बात नहीं थी कि इसके कारण ट्रेड में मार्केट में बहुत हल्ला हो गया था। टैक्सेशन इन डोब, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड अ कॉन्क्वायर्ड टेरिटरी इज नॉट ओनली इंडिया बट ऑलरेडी इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में भी वो अपना हाथ फैलाना चाहते थे।
फॉर दिस ही रिक्वायर लार्ज आर्मी लैंड एंड देयर फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू पे फॉर आर्मी. ये सब काम के लिए उनको पैसे भी चाहिए थे और लोग भी चाहिए थे. सो इन ऑर्डर टू गेट मोर रेवेन्यू ही इंक्रीज द लैंड टैक्स इन द फर्टाइल रीजन लाइक गंगा यमुना डोब. एट डोब मतलब जहाँ पे बहुत एग्रीकल्चरल फार्मिंग बहुत ज्यादा होता है वहां पर उन्होंने रेवेन्यू टैक्सेस बढ़ा दी. जो वहां पे खेती बाड़ी करेगा जो वहां पे रहेगा उसको रेवेन्यू ज्यादा भरना पड़ेगा. इसके कारण क्या होगा पैसे उनके पास ज्यादा आएंगे तो वो लोग को हायर कर पाएंगे और लोग को हायर कर पाएंगे तो उनको सैलरी देने में जमेगा. एट द सेम टाइम द सेवक फर्माइन ब्रुक आउट ऑफ दिस एरिया एंड पीपल रिफ्यूज टू पे एक्स्ट्रा टैक्स एंड रोज टू रेबेलियन. ये सब काम लोगों को अच्छा नहीं लगा तो पहले लोग इस पे आवाज उठाए और उसके बाद वो जगह छोड़ के चले गए. मामा में तुगलक took effective steps to fight for famine and save his situation. मामा में तुगलक ने बहुत सारे steps लिए कि वो situation को अपने under control ला सके. Irrigation improves कर दी, improve कर दिया, facilities बाहर बढ़ा दी गई वहाँ पे. इसी कारण जो पीपल थे जो भूखे मर रहे थे उनको बहुत मजा आने लगा वहाँ पे काम करने में. जब काम करने में मजा आने लगा तो वहाँ पे टैक्स देने के लिए भी वो तैयार हो गए. प्लान ऑफ कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट मतलब चीजों को अपने अंडर कंट्रोल में लाने का जो प्लान था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था. टैक्सेशन इन डोप के कारण सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने टैक्सेशन इन डोप किया. उसी कारण साइड जब उन्होंने सेंट्रल एशिया अपने अंडर कंट्रोल ले आए तब उनका मन किया कि वो खुरिस्तान पर्शिया ईरान इराक ये सबको भी कंकार करने लगे. तो आफ्टर अ ईयर हर एक साल में वो एक एक स्टेट को कंकार करने लगे. मोहम्मद बिन तुगलक अबैंडन हो गए थे प्रोजेक्ट के कारण मतलब वो इन सब प्रोजेक्ट को कंक्वर करने के चक्कर में खुद गायब हो गए थे और फिर मिल नहीं पाए. सुल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हम सारे सुल्तान जो भी आए थे सबका एक ब्रीफ हिस्ट्री में रिकैप कर लेंगे. द स्टेट सेटअप बाय टर्क्स वर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी इन नॉर्दर्न इंडिया ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अ पावरफुल एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट. द सुल्तान वाज सुप्रीम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड मिलिट्री अथॉरिटी. द सुल्तान के अपने आई ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिशन. सुल्तान बहुत ही मेन पर्सन था दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए. वो बहुत चीजों को हैंडल करके दिल्ली को आगे लेके गया था. He was assigned by numbers of ministers. The key figure of administration was Wazir, who acted the prime minister. The Wazir supervised the work of other officials. The final decision of were taken by Sultan. जो final decision था Sultan के बाद वो Wazir लेता था. इसलिए Wazir का बहुत important role था Delhi Sultanate में. The minister in charge was army called Ariz and Mamluk. Ariz was not the commander in chief of the army. Since Sultan himself commanded all the armed force, Ariz and Mamluk ये armed force नहीं थे army के chief force नहीं थे क्योंकि जो भी army थी उसको Sultan खुद handle करते थे. The special responsibilities of Ariz department was to recruit, equip and pay the army. Accountant संभालना Ariz and Mamluk का काम था. There were two other department, namely Diwane Riyasat, Diwane Insha. दीवाने रियासत डेल्ट बाय रिलीजियस मैटर्स. जो भी रिलीजियस काम होता था चीफ सदार के अंदर में वो दीवाने रियासत हैंडल करता था. हु वॉज लीडिंग बाय काजी. काजी उसको हैंडल अंदर में रहते थे चीफ सदार और उसको बोला जाता था दीवाने रियासत. द काजी वॉज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एडवाइज द सुल्तान और सिविल रिलीजियस मैटर. द दीवाने इंशा डेल्ट द स्टेट करेस्पॉन्डेंस. स्टेट करेस्पॉन्डेंट स्टेट में क्या हो रहा है उनकी राय क्या है ये सब काम दीवाने इंशा करते थे. ड्यूरिंग द सुल्तान इन द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस कॉल्ड इक्तास. सुल्तान और एम्पायर जो लोग थे और जो किंग थे वो डिवाइड कर दिए गए थे प्रोविंसेस में पैसों के दम पे. इसको बोलते थे इक्तास. ईच प्रोविंस वॉज प्लेस्ड अंडर ऑफिशियल कॉल्ड मुक्तीस टू फैसिलेट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इन टू शिप्स शिक्स एंड पारांगन्स और डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट को पारांगन और शिक्स बोला जाता है. द विलेज वॉज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इंक्लूडेड द मुकदम द विलेज हेडमैन एंड द पटवारी रिकॉर्ड कीपर एंड द मुशरिफ द विलेज अकाउंटेंट. ये सब विलेज के अंडर में मतलब एक लोकल अकाउंटेंट के अंडर में ये सब नाम दिया गया है सब होते थे.
ईच विलेज ऑल्सो हैड अ पंचायत, पंचायत के अंदर में पटवारी, मुकदम, मुशरिफ, ये सब चीजें होती थी जो विलेज को हैंडल करने में अच्छा होती थी। इससे कारण क्या होता था, हर एक छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम खुद कर लेता था। इससे जो किंग के पास हर एक छोटी छोटी चीजें नहीं पहुंचती थी और किंग फ्री रह सकते थे। नोबल्स, नोबल्स फॉर्म एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप एंड हेल्ड अ पोजिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। मिलिट्री कमांडर्स और नोबल्स की काम करते थे कि उनको भी मिलिट्री कमांडर्स को हेल्प करते थे। सारे मिलिट्री कमांडर्स को किंग के अंदर में रहते हैं और किंग नोबल्स के अंदर में रहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रांट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अ टेरिटरी टू बी नोन एज द इक्ता सिस्टम। टेरिटरी देना, ग्रांट देना, रेवेन्यू सिस्टम को लेना देना, ये सब काम इक्ता सिस्टम का होता था। ड्यूरिंग हुज वर इक्ताज वर कॉल्ड इक्तादास, जो इक्ता सिस्टम इक्ता देता था उसको हम बोलते थे इक्तादास। आउट ऑफ दिस ग्रांट द इक्तादास हैड टू मेंटेन देमसेल्फ, देयर फैमिलीज एंड सम सोल्जर्स फॉर यूज बाय सुल्तान ड्यूरिंग वॉर। कुछ सोल्जर्स को छोड़ दिया जाता था जब वो सुल्तान की हेल्प करेंगे वॉर में, तभी उनको इक्ता दिया जाएगा, मतलब उनका कैश दिया जाएगा, सैलरी। व्हेन द सेंट्रल अथॉरिटी बिकेम वीक, मेनी ऑफ दीज इक्तादास फंक्शन इंडिपेंडेंट रूलर एंड टेरिटरी अंडर देयर कमांड। जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई, जो लेवल पे गवर्नमेंट थी वो वीक होने चली गई, तब ये जो इक्तादार थे खुद अपने रूलर्स बना दिए, खुद अपने में काम करने लगे और दिल्ली सल्तनत एंड हो गई। आई होप मैंने मुझे पढ़ाया तो समझ में आ गया है। तभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और मेरे लाइक में रेस्ट कर लेना। थैंक यू, बाय।